अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में आज आप लोग को हम दिखाएंगे कुर्ती और कमीज में पॉकेट लगाना, साइड में पॉकेट लगाना। तो बहुत सी लेडीज़ होती हैं जो साड़ी पे छोटी कमीज पहनती हैं, कुर्ती पहनती हैं, तो उसी में हम पॉकेट लगाना बताएंगे। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और आप लोग देख सकें हमारी हर नई वीडियो। तो दोस्तों, हमने एक कुर्ती लिया जिसे हमें पॉकेट लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमने गला और पहले ही सिल लिया है और डॉट्स भी लगा लिए हैं कुर्ती में, और हमारा साइड का बाकी जिधर हमें पॉकेट लगाना है हमने उधर छोड़ दिया है, सिलना बाकी है अभी। तो हम आप लोग को दिखाएंगे किस तरीके से हमें सिलना है, किस तरीके से जेब को लगाना है इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम बताते हैं आप लोग को किस तरीके से हमें लगाना है। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा एक साइड का सिला हुआ है, हमने सिल लिया है और इधर का हमारा बाकी है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ऊपर से नापेंगे इसे, हम लेंगे इसकी लंबाई लेंगे हम 5.5 इंच, 5.5 इंच हमें सिलाई लेना है। तो ऊपर से हम नीचे तक आएंगे, जितना हमें सिलाई को दाबना है हमें उसे उतना दाबना होगा, और हम 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे, और उसके बाद हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे पॉकेट के लिए, जहाँ हमें पॉकेट लगाना है 5 इंच पे। और उसके नीचे हम पूरा लंबाई हम 11.5 पे निशान लगा देंगे, और उसके नीचे हम 1 इंच पे लगाएंगे, तो 5 इंच और 1 इंच। तो पहले हमारा 1 इंच होगा, उसके बाद 5 इंच होगा, उसके बाद हमारा 5.5 इंच होगा। तो 5 इंच हम खोलेंगे पॉकेट लगाने के लिए, और 1 इंच हमारा नीचे रहेगा चौक के पास। तो इस तरीके से हमें निशान लगा लेना है। तो आप लोग देख सकते हैं 5.5 इंच हमने निशान ऊपर से लगाया है, और ऊपर से हम नीचे तक सिलते हुए आएंगे, जहाँ हमारा निशान लगा हुआ वहाँ पर हम मशीन रोक देंगे 5.5 इंच पर, और दोबारा से सिलाई को हम घुमा देंगे। तो इस तरीके से हमारी सिलाई हो चुकी है, और उसके बाद हम जहाँ से हमारा 1 इंच का निशान है वहाँ से हम निशान पे सिलाई करेंगे, 1 इंच पे सिलाई करेंगे, और ऊपर लाएंगे और लॉक कर देंगे सिलाई को, सिलाई में मिला करके, और धागे को बाहर निकाल के कट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारी सिलाई हो चुकी। तो आप लोग को हम खोल के दिखा दे रहे हैं कि हमारा जो खुला हुआ है वहीं पर हमें जेब लगाना है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, कपड़े को खोल देंगे अच्छी तरीके से। खोलने के बाद कपड़े को बराबर करके इस तरीके से हम थोड़ा सा अच्छी तरीके से रगड़ देंगे, इस तरीके से खोलेंगे और हाथ से उंगलियों के नाखून से अच्छी तरीके से रगड़ देंगे और सिलाई को बैठा देंगे अच्छी तरीके से। और हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। आप लोग चाहें तो नीचे से भी सिलाई ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा ही जितना हमारा खुला हुआ है उतना ही आप सिलाई कर सकते हैं, अपने हिसाब से कर लें जिस तरीके से आप लोग को अच्छा लगे। तो इस तरीके से हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर देंगे और घुमा देंगे। और हम सिलाई को दोबारा से घुमाएंगे, और सिलाई को जहाँ से हमने सिलाई शुरू किया उसमें सिलाई मिला करके हम लॉक कर देंगे और अच्छे तरीके से बाहर निकाल देंगे, धागे कट कर देंगे। तो हमारी सिलाई हो चुकी है जेब की। तो खुला हुआ हमारा जो है सिल चुका है, अब उसमें हम जेब लगाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं हम इसे सीधा करेंगे, सीधा करने के बाद आप लोग को दिखा दे रहे हैं हम हाथ डाल के। देखिए बहुत ही आसान तरीके से चला जा रहा है हमारा, बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टा करके हम इसे रख देंगे किनारे, और हम जेब की सिलाई करेंगे। जो हमारा पॉकेट है हमने कट कर लिया है पहले ही, तो हम इसकी आपको लंबाई चौड़ाई दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हमारा डबल फोल्ड है, डबल फोल्ड में हमने 5.5 इंच लिया है, इसकी लंबाई 5.5 इंच दोनों तरफ हमारा है, और पूरा इधर से वहाँ तक हमारा है 12 इंच, 12 इंच हमने लिया है देख सकते हैं आप, और इधर हमारा 5.5 इंच है। तो हम क्या करेंगे, आधा आधा इंच दोनों तरफ से छोड़ेंगे और हम सिलाई लेंगे वहीं से। तो आधा इंच इधर से हम निशान लगा देंगे, आधा इंच इधर से, और ऊपर से आधा इंच छोड़ देंगे। दोनों तरफ से हमें ऊपर और किनारे से दोनों तरफ छोड़ना है आधा आधा इंच, और हम सिलाई लगाएंगे। तो जहाँ से हमने निशान को लगाया है वहाँ से हम सिलाई करेंगे, नीचे तक आएंगे और सिलाई को दोबारा से घुमा के ऊपर हम सिलाई पे लॉक कर देंगे। तो हमें कपड़ा सिलाई को बाहर नहीं निकालना है, आधा इंच छोड़ के ही निकालना है। तो इधर से भी हम आधा इंच चौड़ाई और आधा इंच ऊपर हम छोड़ देंगे, पूरा कपड़ा नहीं सिलना हमें, आधा इंच छोड़ देना है सिलाई करने के लिए जेब की। तो इस तरीके से हम सिल देंगे दोनों तरफ। तो आप लोग देख सकते हैं हमारी सिलाई हो चुकी है, और ऊपर का हम दिखा दें, जो हमारा 5.5 इंच हमने खोला है जेब, तो हमारा एक्स्ट्रा और है कपड़ा, तो एक्स्ट्रा लेंगे ऊपर तक सिलाई जाए।
तो हम थोड़ा सा तिरछे में कट कर देंगे इस तरीके से। देखिए हम तिरछा शेप दे देंगे इसको इस तरीके से, और हम आधा इंच सिलाई करेंगे कपड़ा जो हमने छोड़ा है, और जो हमारा किनारे किनारे आधा इंच कपड़ा छूटा हुआ है उसे हम क्या करेंगे कच्चा सिलाई कर देंगे। हम पूरा जिप जितना हमारा खुला हुआ कपड़ा हमने कट किया है उसको हम सिलाई कर देंगे कच्चा, मोड़ देंगे इस तरीके से जिस तरीके से हमें सिलाई को लेना है उसी तरीके से हमें इसे शेप दे देना है कच्चे सिलाई पे। तो इस तरीके से हम कच्चा कर देंगे और जेब को हम सीधा कर देंगे इस तरीके से, अच्छे तरीके से जेब को सीधा कर देंगे। देख सकते हैं आप तो हमारा कच्चा भी हो चुका है इधर। तो हम सिलाई को किनारे किनारे की सिलाई को मिलाएंगे इस तरीके से, और बीच बीच से जो हमारा कपड़ा आएगा उसे हम कट कर देंगे, निशान लगा देंगे इस तरीके से कि जब हम सिलाई करेंगे तो बीचों बीच से ही हमारी सिलाई हो, इधर उधर ना हो। तो हम इसे अब आपको कुर्ती में लगाना बताएंगे कि किस तरीके से हमें लगाना है। तो अच्छे तरीके से हम क्या करेंगे, जहाँ से हमें सिलाई को लगाना है वहाँ से हम कपड़े को मोड़ेंगे, जहाँ से हमारी नीचे सिलाई खुली हुई है वहीं से हम लगाएंगे जहाँ से हमने सिला हुआ है। तो अच्छे तरीके से इस तरीके से नाखून लगा देंगे जहाँ से हमें जेब को लगाना है, और हम चौक से निशान को बराबर कर देंगे। इधर से भी हम निशान को मिला देंगे अच्छे तरीके से जहाँ से हमने रगड़ लिया था, नाखून लगा लिया था। तो इस तरीके से चौक से बराबर कर देंगे कि हमारी सिलाई इधर उधर ना हो, अच्छे तरीके से सिलाई हो जाए। तो इस तरीके से हम चौक को मिला देंगे निशान को, तो वहीं से हम जहाँ से हमने निशान लगाया हमें वहीं से सिलाई को करना है उसी पे, और जो हमने कट लगाया है उसको बीचों बीच से सिलाई पे रखेंगे बीचों बीच इस तरीके से, देख सकते हैं आप लोग। और हम आधा इंच कपड़ा दबाते हुए सिलाई को लगाएंगे, जो हमने आधा इंच कपड़ा छोड़ दिया था उसी को पकड़ेंगे और सिलाई को हम लगाएंगे। तो यहाँ से शुरू करेंगे हम और सिलते हुए आएंगे, जहाँ हमारा कपड़ा ख़त्म होगा वहीं पे हम मशीन को घुमाएंगे और जेब को नीचे कर देंगे इस तरीके से, और जो हमने कच्चा किया था उसी पे हम सिलाई लगाते हुए अच्छे तरीके से जेब को अच्छे तरीके से हम बैठा लेंगे, बराबर कर देंगे कि हमारा इधर उधर ना हो, कम या ज़्यादा ना हो, बराबर से हो, बीचों बीच हो। तो ऊपर तक हम आएंगे और जहाँ से हमने मोड़ा है वहीं से हम घुमा देंगे सिलाई को और ऊपर लाएंगे इस तरीके से, घुमा देंगे मशीन को दोबारा से, और हम दोबारा से फिर घुमाएंगे नीचे तक आएंगे। तो जहाँ से हमारी सिलाई शुरू हुई है वहाँ हम सिलाई को मिलाएंगे और वहाँ अच्छे तरीके से हम लॉक कर देंगे और धागे को बाहर निकाल के हम कट कर देंगे। तो हमारी सिलाई हो चुकी पूरी। तो अब दिखाएंगे आप लोग को कि किस तरीके से हमारी जेब लगी हुई है। तो हम आप लोग देख सकते हैं, हम हाथ डाल के दिखा दे रहे हैं कि हमारी जेब बहुत ही अच्छी तरीके से लगी हुई है, परफेक्ट लगी हुई है, अच्छी लगी हुई है। तो आप लोग देख सकते हैं इस तरीके से, देखिए। तो हमारी जो छोटी कुर्ती होती है उसी में हमने कमीज में पॉकेट लगाया है, आप लोग को बताया है, लगा कर दिखाया है। आप लोग बड़ी कुर्ती में भी इसी तरीके से लगा सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि हमने जो जेब लगाया है अच्छे तरीके से लग चुकी है हमारी जेब। तो हम पूरा अटैच करके कुर्ती को और बाजू लगा करके आप लोग को दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं आप लोग, हमने पूरी कुर्ती को सिल लिया है, अटैच कर दिया है पूरी कुर्ती को, नीचे ऊपर हमने सिलाई पूरा कर लिया है, और जेब भी हमारी अच्छी लगी हुई बनी हुई है, देख सकते हैं आप। तो आप लोग इस तरीके से बड़ी कुर्ती में भी लगा सकते हैं, जिस तरीके से हम लोग बड़ी वाली कुर्ती पहनते हैं। तो लेडीज़, बहुत सी लेडीज़ को पसंद है जेब लगाना, तो आप लोग इस तरीके से जेब लगाएं। तो दोस्तों, आप लोग को कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।